नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर स्मिता ढेंगले, फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट। आइए आज हम जानें NIPT टेस्ट के बारे में। NIPT को NIPS भी कहा जाता है और इसका अर्थ होता है नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग। नॉन इन्वेजिव का अर्थ होता है कि इसमें हम कुछ सुई नीडल नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अमूमन जब फर्स्ट ट्रेमेस्टर या पहले तिमाही में एंटी स्कैन हुआ है और उस समय कुछ हाई रिस्क आता है क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स के लिए, तब हम नीडल टेस्ट एक चॉइस में रखते हैं। अब नीडल टेस्ट में होता है कि हम एक नीडल सुई हम अब्डोमेन से पेट के ऊपर से यूट्रस तक में डालते हैं और या तो प्लेसेंटा का सैंपल लेते हैं या 16 हफ्ते के बाद एमनियोसेंटेसिस करते हैं, जिसमें कि बच्चे के आसपास का पानी लेते हैं सैंपल, और उसमें हम प्रॉब्लम्स के लिए आगे का टेस्ट लगाते हैं। अब नॉन इन्वेजिव में ये होता है कि हम मदर का, माँ का ब्लड सैंपल लेते हैं और उस ब्लड सैंपल में बेबी के सेल्स रहते हैं। चूँकि बच्चे और माँ के बीच में प्लेसेंटा होता है, जिसे हम हिंदी में अवल कहते हैं या इंग्लिश में प्लेसेंटा आफ्टर बर्थ, जो बच्चे की डिलीवरी के बाद बाहर आता है। अब चूँकि ये कनेक्शन होता है दोनों में, तो बच्चे के कुछ सेल्स माँ के ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं। तो इस NIPT टेस्ट में या NIPS टेस्ट में हम मदर का ब्लड सैंपल लेते हैं और जेनेटिक्स लैब में भेजते हैं। वहाँ पर माँ के ब्लड सैंपल से बेबी के सेल्स अलग किए जाते हैं। ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वाला टेस्ट है, तो चूँकि इसका इतना ज़्यादा टेक्निक यूज़ करा जाता है तो कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। पर इसमें यह है कि हाँ, हम बेबी का कोई सैंपल नहीं ले रहे हैं डायरेक्टली, तो इसमें मिसकैरेज का रेट जो नीडल टेस्ट के साथ लगा रहता है वो हम अवॉइड करते हैं। अब ये टेस्ट हम उस समय ऑर्डर करते हैं जब हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंटी स्कैन करके देखते हैं और उस समय क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स का हमें कुछ अंदेशा होता है। तब डबल मार्कर टेस्ट करते हैं। एंटी स्कैन और डबल मार्कर दोनों को जब रिजल्ट को हम मिला के कम्बाइंड टेस्ट देखते हैं, उसमें रिस्क ज़्यादा है, तब भी हमारे पास चॉइस आता है कि या तो हम नीडल टेस्ट करें या NIPT टेस्ट करें। तो इस NIPT टेस्ट में हम माँ के ब्लड सैंपल से बेबी का सेल्स निकालकर उसमें क्रोमोसोम स्टडी कर रहे हैं। अब आज के समय में जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, हम उनके लिए इस टेस्ट को बता सकते हैं, जैसे क्रोमोसोम नंबर 21 जो 3 कॉपीज़ में होता है, डाउन सिंड्रोम, और फिर उससे कम सेंसिटिविटी में हम यदि जानना चाहें तो 13 और 18 3 कॉपीज़ में हो तो। अब डाउन सिंड्रोम सबसे कॉमन होता है जिसके लिए हम ये सारी एक्सरसाइज करते हैं, तो डाउन सिंड्रोम के लिए इस टेस्ट की सेंसिटिविटी 99% है। 18 और 13 के लिए अराउंड 98% है। बाकी और रिसर्च चल रही है जिसके बारे में बताया जाता है कि हाँ, ये और भी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पर उसके रिजल्ट्स अभी हम और अवेटेड हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि यदि इस टेस्ट में आता है लो रिस्क, यानी पर्टिकुलर डाउन सिंड्रोम के लिए या इस चीज़ों के लिए हमें ये लो रिस्क बताता है, तो हम निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ, हमारे इस बच्चे के लिए डाउन सिंड्रोम होने की आशंका कम है या नहीं के बराबर है। पर ये 100% नहीं होता, ये 99% होता है, ये जानना ज़रूरी है। अब यदि किसी का रिजल्ट में आता है कि ये हाई रिस्क है, तो इस टेस्ट के हाई रिस्क रिजल्ट के बेसिस पर हम कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि यह एक स्क्रीनिंग का तरीका है। स्क्रीनिंग यानी हम इसमें से छांटते हैं। तो यदि यहाँ पर आता है कि हाई रिस्क आया है रिज़ल्ट, तो फिर हमें नीडल टेस्ट करना होता है, जो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट है और 100% रिज़ल्ट होता है जिसका। तो हम कुछ हद तक तो ये जान पाए कि यदि लो रिस्क है तो निश्चिंतता बनी रहती है हमारी, यदि इस टेस्ट में भी हाई रिस्क आता है तो फिर हमें नीडल टेस्ट पर जाना पड़ता है। अब कभी कभी ये है 1 से 5% तक हो जाता है कि इस टेस्ट का रिज़ल्ट आए कि वो हमें कुछ पुख्ता जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जिसे फेलियर कहा जाता है। तो उसका कारण अक्सर ये हो जाता है कि जो मदर के ब्लड सैंपल में बेबी के सेल्स हमें चाहिए हैं, वो एक जो मापदंड है वहाँ तक नहीं मिल पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति उस समय बनती है जब बच्चे को क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हो, या फिर प्लेसेंटा जो अवल है उसका वो साइज़ में छोटा हो, या उसका फंक्शन ठीक नहीं हो। तो ये प्रॉब्लम्स अक्सर क्रोमोसोमली एबनॉर्मल बेबीज़ के साथ जुड़ी हुई रहती है। ऐसी स्थिति में फिर हम एक सेकेंड सैंपल दे सकते हैं, और उस सेकेंड सैंपल में 60-70% चांसेस है कि हमें रिज़ल्ट मिलेगा। इस टेस्ट के लो रिस्क, हाई रिस्क ये सब जानने के बावजूद भी हम अगले स्कैन्स में बेबी को बहुत ही ध्यान से देखते हैं, जिससे यदि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों या उत्पन्न हो रही हो, तो हम उन्हें जल्द से जल्द पकड़ पाएँ।
पर हाँ, NIPT एक टेस्ट है कॉस्टली होने के बावजूद कि हम एक जो रिस्क ऑफ मिसकैरेज है वो अवॉइड कर सकते हैं। पर इस टेस्ट में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये 13, 18, 21 इनके लिए देखा जा रहा है, बाकी और जो दूसरे क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए अभी ये वैलिडेटेड नहीं है और रिसर्च चल रही है। और दूसरे जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हमें फिर नीडल टेस्ट का ही सहारा लेना पड़ता है।